तो आज है मंगलवार, मंगलवार बोले तो बालाजी का बार है ना। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, बस बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज का दिन कहाँ लेके जाता है। बागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, क्या है बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल गए, खैर हमें उनसे क्या, हमारी तो छोटी सी जिंदगी है, राशि से शुरू होती है। आज की राशि में लिखा हुआ था कार्यस्थल पर समझदारी से लिए गए निर्णय सफल रहेंगे, समाज में कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं। खैर जब लोग विरोध करने पे आए तो मैं कॉलेज से वापस मेरे फ्लैट पे आ गया था। जो भी हो आज कॉलेज का माहौल कुछ ज़्यादा ही उत्साह भरा था, क्योंकि ऐसे इवेंट हमारे कॉलेज में ज़्यादातर होते नहीं हैं। कॉलेज आओ और अटेंडेंस नहीं लगाओ, क्या ही कॉलेज आए। आज की अटेंडेंस लगी 8:54 पे। खैर वही अंधेर भरा माहौल, PhD का डिपार्टमेंट था, आज प्रोग्राम है तो हमें बस जाना था कुछ। अब लोग पूछते हैं कि यार डेली व्लॉगिंग से क्या फ़ायदा होता है, क्या कमा लेते हो। तो मैंने भाईचारा ग्रुप आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो पढ़ी है, आप देखना, मैं देख रहा था कि वो है कि नहीं है, लिटरली है, आप देखना, मैं उसमें साफ बोल रहा हूँ। ये चैनल केवल और केवल इसलिए बनाया गया था ताकि मैं कुछ यादें जोड़ सकूँ, या तो मेरी ज़िंदगी की या आप लोगों की ज़िंदगी की। खैर मैं मिट सकता हूँ, चैनल नहीं मिटेगा, क्योंकि इस पर कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं है, सारा कुछ मेरा ओरिजिनली शूट किया गया कंटेंट है। तो आपके लिए जब तक यूट्यूब फ्री रहता है, जब तक यूट्यूब कोई एक्शन नहीं लेता है, तब तक ये यादें हमेशा बनी रहेंगी। खैर ये आंटी के साथ, इस लड़की को तो आप जानते ही हो, पहचान पाना मुश्किल है ना कि कौन क्या है। खैर छोड़ो, जो भी है, कॉलेज के अंदर आज इवेंट चल रहा था तो इसकी डिटेल वीडियो हमने, ये इवेंट शूट किया है, वो वीडियो जब एडिट हो जाएंगी तब वो रिलीज होंगी। हमें एक डेली व्लॉगिंग करनी होती है ताकि पता चले कि हम कॉलेज आए थे, और ये भाई साहब तो दुर्लभ हो रखे हैं, इनके जाने के दिन आ रखे हैं, वैसे वैसे नकारापंथी आ रखी है इनके अंदर, क्या ही बोले। खैर ये ऋतिक जी हैं और कॉफ़ी के साथ भाई साहब आज के व्लॉग की एंडिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब मैं घर पे आया तो मुझे पता चला कि यार कुछ और भी काम है, तो मैं शाम को ऐसे घूमने निकल गया गार्डन की तरफ वगैरह वगैरह। मैं बैठ के सोच रहा था कि ज़िंदगी कहाँ से आई है और कहाँ तक जा सकती है। मैं नरेंद्र मोदी जी की एक बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि हम तो फ़कीर आदमी हैं, हमारा काम हो जाएगा तो हम झोला लेके चल देंगे, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। खैर उसी इवेंट की कुछ वीडियोस मैं एडिट कर रहा था, और जब मैं एडिट वाला काम करता हूँ या फिर मेरी टीम से फाइनल कोई प्रोडक्ट आता है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। आपका दिन कैसा रहा बताओ।